अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है शेरी फ्रॉम कराची। ये आए हुए थे लाहौर चाय कॉन एंड फ्यूचर फेस्ट में। मैं इनसे पूछूंगा कि इनका पहले चाय कॉन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद लाहौर के बारे में इनके क्या व्यूज हैं। जी शेरी भाई, सबसे पहले मैं आपको चाय कॉन के बारे में बताना चाहता हूँ। थैंक यू अकील, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। चाय कॉन में बहुत अच्छा रहा बिजनेस एक्सपीरियंस और काफी कुछ सीखने को मिला, नए आइडियाज मिले कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप जीरो से एक अच्छा पैसे कमा सकते हो और एज ए बिजनेसमैन बन सकते हो बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए। काफी कुछ सीखने को मिला। 3 दिन इवेंट हुआ था हमारा, एक चीजें देखी, नए बिजनेस देखे, पाकिस्तान में कैसे बिजनेस चल रहा है, वो सब चीज हमने 3 दिनों में देखी और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है, बाकी उसके बाद 2 दिन हम घूम रहे हैं, अरहील भाई भी मेरे साथ हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। लाहौर तो मेरा आना जाना लगा रहता है। ठीक है, मुझे इतनी कोई नई चीज नहीं लग रही, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है लाहौर। कुछ जगह बहुत अच्छी है और कुछ जगह आप बोर भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस हमारा 1 दिन का टूर बाकी है एंड देन हम अपने अपनी मंजिल। खाने कैसे लगे आशारी भाई, खाने कैसे लगे? खाने तो बहुत अच्छे लगे। कराची के से थोड़े से तीखे हैं या लाइट है? कराची से देखा जाए तो अगर आप बिरयानी की बात करें तो बिरयानी कराची में नहीं मिलती, तिहारी भी अभी तक नहीं मिली मुझे यहाँ पर। ओके, और पाए वगैरह की मैं इतने नहीं खाता, लेकिन पाए वगैरह मुझे वैसे नहीं मिलता जैसे कराची में मिलता है, क्योंकि हमें कराची की आदत है, हमें कराची वाली चीजें यहाँ नहीं मिलती। ओके, अच्छा एक्सपीरियंस है कराची से, काफी अच्छे से बेहतरीन है, काफी मजा आया। थैंक यू सो मच शेरी भाई आपका आने के लिए, आप हमारे मेहमान है और इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच।